बरामद की गई घड़ियां और अन्य वस्तुएं। मुंबई कस्टम के मरीन और प्रिवेंटिव विंग ने तस्करों के नए रूट का भंडाफोड़ किया है। पहले विदेशों से तस्करी के सामान जहां सीधे मुंबई आते थे, अब चेन्नई होकर आने लगे हैं। मुंबई कस्टम विभाग ने 4 दिन में 2 बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ से भी ज्यादा का सामान जब्त किया गया है। मुंबई कस्टम के मरीन और प्रिवेंटिव विंग के सहायक आयुक्त दीपक पंडित के मुताबिक, तस्कर सड़क और रेल के रास्ते सामान मुंबई लाकर यहां अलग अलग मॉल और सिटी सेंटरों में आपूर्ति करते हैं। जब्त किए गए सामानों में बड़े बड़े ब्रांड की 10,000 महंगी घड़ियां, साथ में 6,000 ब्लूटूथ हेडफोन और 17,000 मोबाइल स्क्रैच गार्ड और डिस्प्ले स्क्रीन इत्यादि हैं। मुंबई में तस्करी कोई नई बात नहीं है, लेकिन चेन्नई के रास्ते मुंबई में तस्करी नया रूट है। पिछले कुछ सालों में मुंबई पोर्ट पर कस्टम अधिकारियों द्वारा सख्ती दिखाने और बड़े बड़े स्कैनर के जरिए बड़े पैमाने पर धरपकड़ करने की वजह से तस्करों ने रूट बदल दिया है। जब्त सामान चीन का है, जो दुबई से समंदर के रास्ते पहले सीधे मुंबई आता था, अब चेन्नई होकर आ रहा है। चेन्नई में उतरने के बाद रेल के जरिए मुंबई फिर टेम्पो में भरकर तय ठिकानों पर भेजते हैं। मामले में अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन 3 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। कस्टम विभाग अभी तस्करों पर खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि कार्रवाई को लेकर गिरोहबाज दबाव बनाने की कोशिश में है। शक मुंबई अंडरवर्ल्ड पर भी है। हिंदी न्यूज से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक और गूगल प्लस पर ज्वाइन करें, ट्विटर पर फॉलो करें।